फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ अलका और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशी का माहौल है तो चलिए कुछ मीठा बना लेते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है और उसके साथ में मैंने यहाँ पे 2 कटोरी दूध ले लिया है। मैंने कटोरी से इसलिए नापा है क्योंकि कटोरी सबके घर में होती है, तो पहले दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध एकदम ठंडा ही था, अगर गर्म दूध में करेंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएगी, गुठली हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें। तो ये देखिए, मैंने दूध और मिल्क पाउडर को मिक्स कर दिया है और अब हम इसे गैस में रख देंगे पकने के लिए। अगर आप चाहे तो पूरा दूध से भी इस मिठाई को बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से ये थोड़ा जल्दी बन जाता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं फटाफट वाली मिठाई बना रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैं केसर डाल रही हूँ। आप चाहे तो केसर ना भी डालें तो भी चलेगा, और इसे लगातार ही चलाना है वरना ये चिपकने लगता है पैन से। और इसे है ना हमें तब तक पकाना है जब तक कि एकदम से गाढ़ा ना हो जाए। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो डालडा घी का यूज भी कर सकते हैं। घी इसलिए डाला है मैंने ताकि ये चिपक रहा था बार बार, इससे ये चिपकेगा नहीं। और ये देखिए, मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट पकाया है और ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, मतलब इतना गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें इलायची का पाउडर और साथ में 2 चम्मच चीनी। मिल्क पाउडर भी मीठा ही रहता है इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से चीनी कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच चीनी इसके लिए परफेक्ट है। और ये देखिए, एकदम इसे को मैंने पका पका के ना लाल कर दिया है। और अब ये जमने की मतलब कंसिस्टेंसी में आ गया है, अब इसे हम जमा सकते हैं। ऐसा हो गया है और एकदम लग रहा है ना जैसे मावे के जैसे, लग ही नहीं रहा है कि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया हुआ है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरा खोया हमने दूध से ही तैयार किया हुआ हो। तो चलिए अब इसे जमाने के लिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर टिफ़िन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि घी से चिकना कर देंगे टिफ़िन को तो ये जो बर्फ़ी है ना वो आसानी से निकल जाएगी। आप चाहे तो किसी भी ट्रे या फिर किसी थाली में भी जमा सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम अपना सारा बैटर डाल देंगे जो हमने बना के रखा था, और ये जो थोड़ा सा बेस स्पैचुला में चिपका हुआ है इसे भी हम स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। कुछ भी वेस्ट क्यों करना है ना, इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं कुछ भी। तो चलिए इसे एक सार कर लेंगे, बराबर सा कर लेंगे ताकि जो है अच्छे से सेट हो जाइए। जितना पतला मोटा आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसे मोटा ही रखूँगी इसलिए मैंने इसे आधे टिफ़िन में ही जमाया है। और ये देखिए, मैं इसे सेट कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इसमें पिस्ता डालूँगी। आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू बादाम या फिर नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं, उससे भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर अगर आप नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा यम लगती है। अब हम एक स्पून की हेल्प से जो हमने पिस्ता डाला है इसको इसमें दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए मिठाई में, बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम दानेदार सी मिठाई बन के तैयार होती है। मिठाई बन गया है और जो सारे बर्तन पड़े हुए उसे मैं डाल दूँगी धुलने के लिए, तो चलिए ये काम भी कर लेते हैं फटाफट से। मीठा अब हम रख देंगे एक साइड में और इसमें मैं चढ़ा दूंगी चाय, क्योंकि इनके आने का भी टाइम हो रहा है, तो ये आके सबसे पहले घर में हाथ मुँह धुल के चाय ही पीते हैं, फिर उसके बाद ही कुछ खाते या पीते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इसमें चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। और चाय पत्ती खत्म हो गई थी हमारे घर में तो मैं नीचे जाकर ले आई थी, नीचे ही शॉप है हमारे यहाँ, तो मैं नीचे गई थी और ले आई थी चाय पत्ती। तो इसे पहले मैं कंटेनर में भर दूँगी और फटाफट से चाय की तैयारी कर लूँगी। आज आपका हेयर कट करा दे। हाँ। बहुत बड़े हो गए ना आपके हेयर। हाँ। कट करवा दूँ। हाँ। कितना कट करवाऊँ, कितना कटवाना है? है मोटू बनना है। अच्छा, मोटू पतलू? नहीं। हाँ? मोटू बनना है सिर्फ, पतलू नहीं बनना है। मिली है, ये सो रहे थे और ये जग गए हैं अभी। और अभी मैं ना मीठा और चाय चढ़ा के चली आई हूँ, अभी जब हस्बैंड आएंगे तो हम लोग चाय भी पीएंगे और तब तक मीठा भी सेट हो जाएगा, तो उसे कट भी करके दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे ये जनाब बैठे हैं, हेलो करिए।
हेलो एवरीवन गाइस, धीरे धीरे ये भी ब्लॉगिंग करना सीख रहा है। और ये है छोटे नवाब, ये सो रहे थे और अभी जग गए हैं। तुम्हें थोड़ा सा काम अब नहीं करने देंगे, काम मुझे अभी दे। अभी सो कर उठा है ना, तभी इसका थोड़ा सा मूड अपसेट सा है। जब तक इधर मीठा सेट हो रहा था, मैं उधर बच्चों के साथ खेल रही थी। आपने देखा ही होगा कितनी सारी आवाज़ें थी, कितना सारा हम लोगों ने मस्ती किया। तो चलिए फटाफट से 20 मिनट हो भी गया है और मीठा को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गई हमारी कलाकंद, और मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी क्योंकि मुझे ना इसका फ़ोटो क्लिक करना है। तो देखा आपने, देखने में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसे मिल्क पाउडर से बनाया हुआ है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पता ही नहीं चलेगा जब आप खाएंगे ना, तो ये मुंह में एकदम से घुल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पूरा दूध है या इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड है। तो ये देखिए मैंने इसे तोड़ के भी दिखा दिया आपको, ये एकदम दानेदार सी मिठाई बन के तैयार है। और मेरे हस्बैंड जो है वो घर आ गए हैं, तो चलिए उनको दिखाती हूँ, टेस्ट कराती हूँ कि मिठाई कैसी बनी है। जी जी, मैं टैडी बेयर से बेटा देखो क्या बनाया मम्मा ने। आ भाई चड्डी वाले, पसंद आ गया भाई साहब। अभी हम सब लोगों ने चाय भी पी लिया है और मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया है। और अब हम लोग थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, एक टी शर्ट लेके आए थे और वो इनको छोटी है तो वही चेंज करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं मार्केट में। मार्केट जाने से पहले आप सबके साथ एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे बड़े भाई को ना बेटी हुई है और हमारे मायके में, और हम सब लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आप सब लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा बच्ची को। हम लोग है ना, जब भी बाहर जाते हैं तो पानी पूरी जरूर खा के आते हैं। पानी पूरी देखते ही ना मेरे मुंह में और इनके मुंह में तो जरूरी पानी आ जाता है, तो सबसे पहले यही खाएंगे क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अभी। तो ये देखिए इनको पानी पूरी ना बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे भी अच्छी लगती है, और मेरे बड़े वाले बेटे को भी बहुत ही अच्छी लगती है पानी पूरी। और अभी हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करती हूँ, सिर्फ ऐसे सादे पानी से क्लीन करती हूँ ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो फेस में चिपके नहीं। तो मैंने क्लीन कर लिया और मैं इसे टॉवल से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मैं टॉवल को ना डोर पे ही टांग दे। यही टी शर्ट लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, और कैसे शर्मा रहे हैं जैसे नए नवेले से दुल्हन हो। दिखाइए कौन सा टॉयज लेके आए आप, दिखाइए। अरे ये तो आंख मार रही है।
ये आंख मारी है क्या देर? नहीं, जल जल रही है। हाँ, आंख भी मार रही है, जल भी। अच्छा, आंख भी मार रही है, जल भी रही है। कैसे आंख मार रही है? आप आंख मार के बताओ। आज जो है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, घर पे थोड़े से छोले रखे हुए हैं, तो हस्बैंड ने बोला कि चावल ही चढ़ा दो, उनको चावल खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे भी छोले चावल ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने चावल चढ़ा दिया है। ये देखिए, और अभी हम लोग चावल पक जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़े से घर के काम कर लूँगी। हम लोगों ने ना खाना वगैरह भी खा लिया है, तो मैं आज आपको ना एक जोक सुनाती हूँ। जब भी बारिश होती है ना, तो हमेशा जो छाता है ना, वो दूसरे नंबर पर ही आता है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, आप बताइए, गेस कीजिए। नहीं गेस कर पाए। अरे पहले नंबर पे तो हम लोगों के घर में बेसन ही आते हैं, मतलब बेसन के पकौड़े ही बनते हैं, तो पहला नंबर बेसन का ही हुआ ना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।